Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Children, I am going to teach lesson 5 of class 4th English First. The name of the lesson is Artist. The Artist, Kalakar. Once upon a time, एक समय की बात है, there lived an artist, एक कलाकार रहते थे, in the hilly area, पहाड़ी क्षेत्र में. He went every day to the side of a big mountain. वो एक बड़ी पहाड़ी की साइड पर जाते थे रोजाना, and drew drawings of many natural and beautiful things, और बनाया करते थे drawing बहुत सारी प्राकृतिक और खूबसूरत वस्तुओं की. He was very well aware of the kinds of paintings. वो ने बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था, जागरूक थे वो पेंटिंग्स की काइंड्स के बारे में, यानी उनके प्रकार के बारे में. ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन हिज आर्ट. वो अपनी कला में बहुत एक्सपर्ट भी थे, एज वेल एज फेमस इन द टाउन एंड नियर बाई एरिया, और अपने कस्बे में और आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो फेमस भी थे. सो ही हैड अ प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स. उनके बहुत सारे कस्टमर भी थे. दिस वॉज द ओनली मीन्स ऑफ फॉर हिम टू अर्न मनी. और ये एक मात्र साधन था उनके लिए पैसे कमाने का. ही वॉज क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. वो बहुत खुश थे और संतुष्ट थे विद हिज लाइफ, अपने जीवन से. एंड आस्क्ड फॉर नथिंग बेटर देन व्हाट ही हैड. और कभी इच्छा नहीं करते थे उससे ज़्यादा अच्छी जीवन की, जितना उनके पास था या जैसा जीवन वो जी रहे थे. द आर्टिस्ट हियर्ड अबाउट अ स्ट्रेंज थिंग. आर्टिस्ट, उस कलाकार ने सुना एक अजीब सी वस्तु के बारे में, बात के बारे में. दैट इन द माउंटेन एज, कि उस माउंटेन के किनारे पर, पहाड़ी के किनारे पर, अ होली सॉल, एक पवित्र आत्मा इज अपीयर्ड, प्रकट हुई है टू मैन एंड हेल्प हिम देम इन बिकमिंग रिच एंड एफ्लुएंट. एक व्यक्तियों के सामने अपीयर्ड हुई है, दिखाई दी गई है, और वो हेल्प करती है सभी को रिच एंड एफ्लुएंट, यानी बहुत धनी बनने में, यानी वो लोगों को धनी बनाती है. द आर्टिस्ट हाउएवर हैड एवर्स. द आर्टिस्ट, उस कलाकार ने हाउएवर, फिर भी, हैड नेवर सीन दिस सॉल, उसने इस आत्मा को कभी देखा नहीं था. एंड ही डिड नॉट बिलीव इट. इसको इसमें ये विश्वास भी नहीं करता था. बट सून, लेकिन जल्दी ही, द टाइम केम, वो समय आया व्हेन ही हैड टू चेंज हिज थॉट, जब उसे अपने विचार बदलने पड़े. अबाउट द होली सॉल, उस पवित्र आत्मा के बारे में. वन डे, एक दिन, द आर्टिस्ट, वह कलाकार, कैरीड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ले गया एक बहुत सुंदर पेंटिंग टू द हाउस ऑफ अ रिच मर्चेंट, एक बड़े ही धनी व्यापारी के घर में. एंड देयर ही सॉ ऑल सॉर्ट्स ऑफ अट्रैक्टिव एंड लेविशली थिंग्स. और वहाँ उसने देखा बहुत तरीकों की आकर्षित करने वाली वस्तुओं और महंगी वस्तुओं को. ऑफ विच ही हैड नेवर ड्रीम्ड, और उनके बारे में उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था. सडनली ही सेड टू हिमसेल्फ, अचानक ही उसने अपने आप से कहा, ओ अरे, इफ आई वर अ रिच मैन विद सच लग्जीरियस कम्फर्ट्स, काश मैं भी इतना धनी व्यक्ति होता, इतने अच्छे लग्जीरियस कम्फर्ट्स के साथ, विलासिता की वस्तुएं के साथ मैं भी इतना धनी होता. एंड कुड स्लीप इन अ बेड विद सिल्कन बेडशीट, और मैं भी सोता ऐसे बिस्तर पर जिस पे सिल्क की बेडशीट पड़ी होती, बिछी होती. एंड ब्राइट कर्टेंस, और चमकीले से कर्टेन लगे हुए होते.
हाउ चीयरफुल आई शुड बी, मैं कितना खुश होता। एंड सडनली अ वॉइस आंसर्ड हिम, अचानक ही एक आवाज़ ने उसे उत्तर दिया, योर विश विल बी अकॉम्प्लिश्ड, तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अ रिच एंड प्रॉस्पेरस मैन यू विल बी, तुम एक बहुत धनी समृद्धशाली व्यक्ति बन जाओगे। एज द वॉइस टच्ड द आर्टिस्ट ईयर, जैसे ही वह आवाज़ उस आवाज़ ने कलाकार के आर्टिस्ट के कानों को टच किया, ही लुक्ड अराउंड, तो उसने चारों तरफ देखा, बट कुड सी नथिंग, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हैपेंड न्यू विद हिम, उसके साथ कुछ नया होते हुए। ही थॉट इट वॉज ऑल इज कंज्योर, उसने सोचा कि सब उसका एक वहम है। एंड पिकड अप हिज टूल्स एंड वेंट होम, और अपने औजारों को, अपने टूल्स को उसने उठाया, अपनी किट को जो उसके अंदर उसका सामान था पेंटिंग बनाने का, उसे उठाया और अपने घर चला गया। ऑन दैट डे, उस दिन ही डिड नॉट फील टेंडिंग टू डू एनी मोर वर्क, उसने उस दिन और कुछ अधिक काम करने का उसका मन नहीं किया। एज ही रीच्ड हिज हाउस, जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, ही वॉज शॉक्ड टू सी, वो बड़ा एकदम शॉक्ड हुआ, उसे झटका लगा देख करके, दैट हिज लिटिल हाउस हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बिग पैलेस, उसका छोटा सा घर एक बड़े से महल में चेंज हो चुका था, परिवर्तित हो चुका था। हिज हाउस वॉज फिल्ड विद ऑल लग्जूरियस एमिनिटीज, उसका घर सभी विलासिता की वस्तुओं से भरा पड़ा था। एंड मोस्ट इम्प्रेसिव ऑफ ऑल वॉज द बेड, और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव जो चीज़ थी वो उसका बेड था, बिस्तर था। इन एवरी हाई ओपिनियंस लाइक, इन एवरी हाई ओपिनियन लाइक द वन ही हैड ड्रीम्ड, बिल्कुल उसी तरह की उच्च ओपिनियन विचारों के साथ जो उसने कभी उस विचार किए थे, सोचे थे, स्वप्न में देखा था। ही वॉज ओवरजॉयड, वो बड़ा खुश हुआ, एज हिज विश वॉज फुलफिल्ड, क्योंकि अब उसकी जैसी उसकी विश थी, इच्छा थी, वो पूरी हो गई थी। एंड इन हिज न्यू लाइफ ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग, और अपने नए जीवन में वो सब कुछ भूल गया था, विच वॉज रिलेटेड टू हिज पास्ट, जो उसके पास्ट से, पहले जीवन से जुड़ी हुई थी। नॉट ओनली दिस, ना केवल यह, ही स्टॉप टू डू हिज ओन वर्क ऑफ मेकिंग पेंटिंग्स, उसने अपने खुद का जो काम था पेंटिंग बनाने का, वो भी बंद कर दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द समर सीजन वॉज स्टार्टेड, गर्मी का मौसम शुरू हुआ। एंड ईच डे द सन शोन मोर ब्राइटली, और प्रतिदिन सूर्य ज़्यादा और ज़्यादा चमकीला होने लगा। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, द हीट वॉज सो इमेंस, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, दैट द आर्टिस्ट कुड हार्डली ब्रेथ, वो आर्टिस्ट बड़ी मुश्किल से सांस भी ले पा रहा था। एंड ही डिटरमाइंड नॉट टू गो एनी वेयर टिल द इवनिंग, और उसने निश्चय किया शाम तक कहीं भी न जाने का। ही वॉज फीलिंग बोर एज ही हैड नो ऑप्शन टू बिजी हिमसेल्फ, वो बोरिंग महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसमें वो बिजी हो सके। सो ही स्टार्टेड लुकिंग थ्रू द विंडो टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन इन द टाउन, इसलिए उसने शुरू कर दिया देखना, झांकना विंडो से, ये देखने के लिए कि बाहर कस्बे में क्या चल रहा था। सडनली ही सॉ ए बग्गी पास्ड बाय, अचानक ही उसने एक बग्गी देखी जो वहाँ से गुजर रही थी, ड्रॉन बाय डेकोरेटेड हाउस, जो कि सजे हुए घोड़ों से खींची जा रही थी। और प्रिंस वॉज सिटिंग इन दैट बग्गी, उस बग्गी में एक राजकुमार बैठा हुआ था। एंड वन ऑफ हिज सर्वेंट वॉज होल्डिंग अ प्रेशियस अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, और एक उसका नौकर पकड़े हुए था एक बहुत महंगा छाता उसके सिर के ऊपर, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सन रेज, उसे बचाने के लिए सूर्य की किरणों से।
एज द बग्गी डिसअपीयर्ड फ्रॉम द आर्टिस्ट आइज, जैसे ही बग्गी ओझल हो गई उस आर्टिस्ट की नज़रों से, ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ओ इफ आई वर ओनली अ प्रिंस, काश मैं भी एक राजकुमार होता, आई वर ऑल्सो सिटिंग इन अ बग्गी एंड कुड एन्जॉय, मैं भी एक बग्गी में बैठा हुआ होता एंड कुड एन्जॉय इन सच अ वे जस्ट लाइक दैट प्रिंस, और मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से आनंदित होता जैसे कि वो प्रिंस था। हाउ चीयरफुल आई शुड बी, मैं कितना खुश होता उस समय। एंड सडनली अ वॉइस आंसर्ड हिम, और अचानक ही एक आवाज़ ने उसे उत्तर दिया, योर विश विल बी अकॉम्प्लिश्ड, तुम्हारी विश जल्दी ही पूरी होगी। द प्रिंस यू विल बी, तुम एक राजकुमार बन जाओगे, एंड ही बिकेम अ प्रिंस, और वो एक राजकुमार बन गया। ही वॉज सिटिंग इन अ लग्जूरियस बग्गी, वो बैठा हुआ था एक लग्जूरियस बग्गी में, विलासिता से भरी हुई बग्गी में, एंड ही वॉज accompanied by many servants, और उसके साथ बहुत सारे नौकर भी थे। One of his servants was holding a precious umbrella over his head, उनमें से एक नौकर ने पकड़े हुए था एक बहुत कीमती अम्ब्रेला उसके सिर के ऊपर, एंड टू ब्यूटिफुल वुमन मेड हिम ईटिंग सम डिलीशियस फूड स्टफ, और दो बहुत खूबसूरत औरतें उसे डिलीशियस बहुत जायकेदार फूड स्टफ खिला रही थी। ही वॉज एन्जॉइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन का हर क्षण का आनंद ले रहा था। बट अप टिल नाउ, लेकिन अब तक इट वॉज नॉट एनफ फॉर हिम, उसके लिए ये काफ़ी नहीं था। हिज डिज़ायर्स वर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग डे बाई डे, उसकी जो इच्छाएँ थी रोजाना बढ़ती जा रही थी। ही लुकड अराउंड, वो चारों तरफ देखता था स्टिल फॉर समथिंग टू डिज़ायर फॉर, कुछ और इच्छा करने के लिए। एक दिन उसने ऑब्जर्व किया दैट इन स्पाइट ऑफ द अम्ब्रेला हेल्ड ओवर हिज हेड एवरी डे, हिज फेस वॉज ग्रोइंग ब्लैक बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। ही ऑब्जर्व, उसने महसूस किया दैट इन स्पाइट ऑफ अम्ब्रेला होने के बावजूद, हेल्ड ओवर हिज हेड उसके सिर पर होने के बावजूद, लगा होने के बावजूद, हिज फेस वॉज ग्रोइंग ब्लैक, उसका चेहरा काला पड़ता जा रहा था बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन रेज, सूर्य की हीट से, गर्मी से। ही शाउटेड इन हिज एंगर, उसने अपने क्रोध से वो चिल्लाया, हाउ कुड द सन बी माइटर देन आई, ये सूर्य मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। अरे इफ़ आई वर ओनली द सन, काश मैं सूर्य होता, हाउ पावरफुल आई शुड बी, तो मैं कितना ताकतवर होता। एंड द होली सॉल आंसर्ड, और उस पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, योर विश विल बी कम्प्लीट, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, द सन यू विल बी, तुम एक सूर्य बन जाओगे। एंड ही बिकेम द सन, वो सूर्य बन जाता है। ही फेल्ट हिमसेल्फ प्राउड, उसे वह खुद में बहुत घमंड महसूस करता है, इन हिज पावर, अपनी शक्ति में से। ही शॉट हिज रेज एंड बर्नड अप द ग्रास इन द फील्ड, उसने अपनी गर्मी को बढ़ाया, एंड बर्नड अप द ग्रास, और उसने घास को जला दिया, इन द फील्ड्स माने फील्ड में, जो मैदानों में थी, एंड पास द फेसिस ऑफ लिविंग बींग्स, और जो लिविंग बींग्स थे, जीवित वस्तुएं थी, उनके फेस को उसने पास कर दिया, झुलसा दिया। नाउ ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, अब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था बिकॉज ऑफ हिज पावर, अपनी शक्ति से। बट वंस व्हेन ए क्लाउड कवर्ड हिज फेस, लेकिन जैसे ही एक बादल ने उसके चेहरे को ढका, एंड हिड द अर्थ फ्रॉम द हिज रेज, और पृथ्वी को छुपा लिया उसकी किरणों से, ही शाउटेड इन एंगर, तो गुस्से में चिल्लाया, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर द क्लाउड टू कन्फाइंड माई रेज, ये कैसे संभव हो सकता है
किसी बादल के लिए कि मेरी जो रेज है किरणों को रोक सके। ओ इफ आई वर ओनली द माइटीएस्ट, काश मैं इतना शक्तिशाली होता। हाउ चीयरफुल आई शुड बी, तो मैं कितना खुश होता। एंड द होली सोल आंसर्ड, अब उस पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, योर विश विल बी अकम्प्लिश, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। द क्लाउड यू विल बी, तुम एक बादल बन जाओगे। एंड ही बिकम अ क्लाउड, अब वो एक बादल बन गया। ही वॉज ओवरजॉयड एंड कॉट द सन्स रेज, वो बहुत खुश हुआ और उसने ढक लिया सूर्य की किरणों को। एंड हेल्प दैम, और से उन्हें हेल्प दैम, बट दैट वॉज नॉट एनफ, और उन्हें किरणों को जो है पकड़ लिया, समा लिया अपने अंदर, बट ही इट वॉज दैट वॉज नॉट एनफ, ये अभी उसके लिए पर्याप्त नहीं था। एंड फॉर द टू वीक्स, एंड फॉर द टू वीक्स, दो सप्ताह तक कंटिन्यूसली ही पॉड रेन, उसने बारिश गिराई, बारिश उड़ेली, टिल द रिवर्स वर ओवरफ्लोड, जब तक कि नदियों में पानी ऊपर तक नहीं आ गया, ओवरफ्लो होना नहीं हो गया। एंड द सिचुएशन ऑफ द फ्लड स्टूड केम एवरीवेयर, और चारों तरफ फ्लड की यानी बाढ़ की सिचुएशन चारों तरफ हो गई। टाउन्स एंड विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ रेन, टाउन्स कस्बे और गांव बर्बाद हो गए उस बारिश की शक्ति से। बट ओनली द बिग माउंटेन रिमेंड अनइफेक्टेड, लेकिन जो बड़े बड़े पहाड़ थे उससे अनइफेक्टेड रहे, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। द क्लाउड वॉज अमेज्ड एट द सीन, उस सीन को देखकर वो बादल बड़ा अमेज्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। एंड शाउटेड और चिल्लाया इन एंगर, क्रोध में, ओ इफ आई वर ओनली द माउंटेन, काश मैं एक पर्वत होता। हाउ चीयरफुल आई शुड बी, तो मैं कितना खुश होता। यानी वो बादल बन के भी खुश नहीं हुआ, अब वो माउंटेन बनने के कि उसने विश की। एंड द होली सोल आंसर्ड, और उस पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, योर विश विल बी अकम्प्लिश्ड, तुम्हारी जो इच्छा है पूरी होगी। द माउंटेन यू विल बी, तुम एक माउंटेन बन जाओगे। एंड ही बिकेम द माउंटेन, अब वो एक माउंटेन बन गया, पर्वत बन गया। एंड ग्लोरीड इन हिज पावर, और अपनी शक्ति से वो ग्लोरी यानी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, गर्व महसूस किया उसने। दिस इज़ बेटर देन ऑल, ये तो सबसे अच्छा, यानी माउंटेन बनना सबसे अच्छा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बट नाउ, लेकिन अब ही कुड डू नथिंग, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था एक्सेप्टिंग स्टैंडिंग अलोन, केवल अकेले खड़े रहने के अलावा। वन डे ही हर्ड अ नॉइस एट हिज फीट, एक दिन उसने अपने नीचे अपने पैरों की तरफ शोर आता हुआ उसने सुना। एंड और व्हेन ही लुक डाउन, जब उसने नीचे देखा, टू सी देखने के लिए, जब उसने नीचे देखा, व्हाट इट कुड बी, ये क्या क्या था। ही सा सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग जॉयफुल्ली, तो उसने देखा कुछ बच्चे बहुत खुश होकर के खेल रहे हैं। ही फेल्ट हार्ट ब्रोकन, उसने अपना हृदय महसूस किया, अपना हृदय को टूटा हुआ। अंडरस्टूड, और वो समझ गया द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य, जीवन का जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो उसे समझ गया। एंड ही क्राइड, वो चिल्लाया, वो रोया इन हिज एंगर, अपने क्रोध में, ओ इफ आई वर ओनली ए मैन, काश मैं एक आदमी ही होता। हाउ चीयरफुल आई शुड बी, तो मैं कितना खुश होता, काश मैं दोबारा आदमी बन जाऊँ, पहले वाले जीवन में आ जाऊँ, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। एंड द होली सोल आंसर्ड, और अब पवित्र आत्मा ने उत्तर दिया, योर विश विल बी कम्प्लिश्ड, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अ मैन वंस अगेन यू विल बी, तुम एक दोबारा से व्यक्ति आदमी बन जाओगे। एंड ही बिकेम अ मैन फाइनली, और अंत में वो एक आदमी ही बन गया। एंड अगेन ही स्टार्टेड हिज लाइफ, और दोबारा उसने अपना जीवन शुरू किया विद द ट्रेडिंग ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग की ट्रेडिंग करने के साथ, जो पहले करता था, यानी पेंटिंग बनाना, उन्हें बेचना।
हिज लाइफ वॉज अगेन स्ट्रगलिंग, अब उसकी जीवन दोबारा से संघर्ष युक्त हो गया, एंड ही लॉस्ट ऑल दैट ही वॉज गिवन बाय द होली सॉल, और उसने वो सब कुछ खो दिया जो उस पवित्र आत्मा ने उसको दिया था, एंड ही हैड लर्नड, और उसने सीख लिया था टू बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना विद इट, इसके साथ, यानी जो उसके पास था, एंड ऑल्सो ही नेवर लुक्ड फॉर थिंग्स ही डिड नॉट हैव, फिर उसने कभी नहीं देखा उन वस्तुओं को जो उसके पास नहीं थी, और उनके बारे में उसने कभी विचार नहीं किया, एंड नेवर अगेन ही हियर्ड द वॉइस ऑफ द होली सॉल, और फिर उसने उस पवित्र आत्मा की आवाज़ फिर कभी नहीं सुनी। इस चैप्टर का जो मेन लेसन है, जो शिक्षा है, वो ये है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें दूसरे की लाइफ को देख करके कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ भी उनकी तरह बिना कुछ करे हो जाए। बच्चों, हमेशा हमें अपना रोज़ाना वर्क करना है जो हमें दिया गया है, और एक दिन हम उस